वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉपी मूव मिरर। और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी ये टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन कर दूं, डिलीवर कर दूं, तो मेरे पास एक लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी। वो लिमिटेशन क्या है कि मैं आपको मल्टीपल ड्राइंग जो है मैं ड्रॉ करके दिखा पाऊंगा। अभी हमारे पास बहुत लिमिटेशन थी कि टूल्स जो थे मैंने आपके साथ डिलीवर नहीं किए थे। तो चलिए कॉपी मूव मिरर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, कॉपी विद बेस पॉइंट, कॉपी विद रैंडम पॉइंट, कॉपी विद स्पेसिफाइड डिस्टेंस, कॉपी विद एरे, कॉपी विद रेफरेंस पॉइंट, मूव कमांड, मिरर कमांड। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए कुछ पिक्चर्स क्रिएट की थी। जैसे यहाँ देखेंगे आप कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये बेस पॉइंट है। क्योंकि जब बेस पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से सपोज मैंने इसको पिक किया तो मैं यहाँ से ही प्लेस करूँगा। तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था जिसका मल्टीपल कॉपी क्रिएट किया है, तो इस तरीके से हम कॉपी कमांड का यूज करते हैं। एक और ये पिक्चर है जिसमें मैं आपको बता दूँ ये चेयर दिखाई दे रहा है, तो ये चेयर बेसिकली मिरर कमांड के थ्रू क्रिएट किया गया है। तो हमें मिरर कमांड के लिए एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, दूसरा हम मिरर कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए आप ये एक्सेस दिखाई दे रहा है, एक मिरर लाइन है, मिरर एक्सेस है जिसका फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, और ये ऑब्जेक्ट है जो लेफ्ट साइड में है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के थ्रू हमने क्रिएट किया है। और इसी क्लास में मैं आपको 2-3 ड्राइंग भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। वो ड्राइंग बेस्ड होंगी जो लास्ट क्लास में हमने सर्कल, लाइन, रेक्टेंगल, जो पिछली क्लासेस में हमने जो टूल्स कवर किए हैं उन पर बेस हम ड्राइंग बनाएंगे। उसमें हम कॉपी मूव मिरर का यूज करेंगे। और आपको बता दूं ये जो टूल्स हैं ये बेसिकली ड्राइंग को मॉडिफाई करने के लिए होते हैं, तो हमारे पास ड्राइंग पहले से होना चाहिए जिसको हम मॉडिफाई करेंगे। चलिए ऑटो कैड में देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें कॉपी मूव मिरर कमांड का यूज करना होता है। तो स्क्रीन पर एक ड्राइंग आपको दिखाई दे रही है, ये ड्राइंग मैं आज आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, एज वेल एज ये एक ड्राइंग है एंड देन ये टू ड्राइंग्स हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक फ्रेश ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ एंड फ्रेश ड्राइंग पर मैं आपको बता दूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी मूव कमांड है कहाँ पर। तो देखिए मॉडिफाई पैनल्स पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कॉपी, कॉपी के बाद यहाँ पर आपको मूव दिखाई देगा एंड देन मिरर ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इन तीनों ऑप्शन को एक ही क्लास में मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों टॉपिक एक जैसे ही है कि इनमें सेम प्रोसीजर होती है ऑलमोस्ट। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन करके स्क्रीन पर एक्सप्लेन करता हूँ जैसा मैंने आपको PPT में बताया था टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ, रेक्टेंगल का साइज मैं लेता हूँ 5x10। तो ये स्क्रीन पर नाउ मेरे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल कमांड को मैं कॉपी करके क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो कॉपी या मूव या मिरर हम दो तरीके से कॉपी मूव मिरर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जो फर्स्ट मेथड बताने वाला हूँ वो आपको यूज नहीं करना है। फर्स्ट मेथड ये है कि आपको स्क्रीन पर जाना है, स्क्रीन पर जाकर आपको मॉडिफाई पैनल्स पर जाना है, मॉडिफाई पैनल्स पे कॉपी कमांड को पिक करना है। जैसे आप कॉपी कमांड को पिक करेंगे स्क्रीन पर एक इंस्ट्रक्शन आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको यहाँ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एंड देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको यहाँ प्रेस एंटर करना होता है। देन आप देखेंगे यहाँ स्पेसिफाई बेस पॉइंट आया। सिमिलरली आप इफ मूव कमांड पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन आपको यहाँ भी एक एंटर प्रेस करना होगा, देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट ऑप्शन आएगा। सेम मिरर पर भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, देन आपको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन इंस्ट्रक्शन आएगा। तो बेटर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज आप ऑब्जेक्ट को प्री सेलेक्टेड रखिए। ये एक मैं डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करना है एंड देन कॉपी पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, डायरेक्टली एक स्टेप कम हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में जो स्टेप आएगा डायरेक्टली स्पेसिफाई बेस पॉइंट ऑप्शन आने लगेगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हमें कॉपी मूव कमांड का जो आइकन है उसके थ्रू ऑब्जेक्ट को पिक करना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट की के थ्रू कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप है कि आपको ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप आपको बता दूं, जो शॉर्ट की होगी जैसे कॉपी का शॉर्ट की होता है CO, एंटर आपको प्रेस करना है, देन आप देखेंगे यहाँ स्पेसिफाई बेस पॉइंट आ गया। सिमिलरली मूव के लिए आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, M एंटर, देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट आ गया। वंस अगेन मैं एस्केप कर लेता हूँ एंड देन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, देन मिरर का जो शॉर्ट की होता है वो होता है MI एंटर।
तो एम आई एंटर आप देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही जल्दी एक क्लास आपके साथ लेकर आऊँगा जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि शॉर्ट कीज़ को आपको कैसे याद रखना है। कुछ और टूल्स पहले डिलीवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक साथ आपको शॉर्ट कीज़ बताऊँगा कि कैसे आपको शॉर्ट कीज़ के लिए ट्रिक होती है कि कैसे आपको शॉर्ट की को याद रखना है। तो चलिए अभी इस क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं कॉपी मूव मिरर कमांड को किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो पहला स्टेप है आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, दूसरा स्टेप या तो आप कॉपी कमांड पर क्लिक करिए या फिर आप उसका शॉर्ट की यूज करिए। तो मैं यहाँ कॉपी कमांड पर क्लिक कर लेता हूँ, देन नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पर स्पेसिफायर बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में बेस पॉइंट वो है जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं। सपोज मैंने इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक कर दिया। सो नाउ आप जब इसको पेस्ट करेंगे कहीं पर भी रेंडमली, ये देखिए तो इस तरीके से ये उसी पॉइंट के रेफरेंस से पेस्ट होगा जिसको आपने एज अ बेस पॉइंट डिफाइन किया था। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, नाउ वंस अगेन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से कॉपी कमांड में रिपीट करता हूँ, बेस पॉइंट चेंज कर देते हैं। ये देखिए बेस पॉइंट चेंज किया और अभी आप देखेंगे उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। तो ये था रेंडम डिस्टेंस पर या रेंडमली मैंने कहीं पर भी पेस्ट किया। अभी मुझे इसको कॉपी करना है बट पर्टिकुलर डायरेक्शन पर और पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ में। तो याद रखिए मैंने ये जो रेक्टेंगल क्रिएट किया था इसका डायमेंशन 5 था और ये वर्टिकल डायमेंशन 10 था। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ऑर्थो ऑन करना है आपको, क्योंकि इस बार मैं जो कॉपी क्रिएट करने वाला हूँ वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में और पर्टिकुलर डायमेंशन के साथ में। तो मैं यहाँ कॉपी कमांड पर क्लिक करूँगा, पहला स्टेप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, सेकेंड स्टेप कॉपी कमांड पिक करिए, थर्ड स्टेप स्पेसिफाई बेस पॉइंट एंड फोर्थ स्टेप आपको यहाँ डायरेक्शन डिफाइन करना है कि कॉपी आपको राइट साइड में क्रिएट करना है, लेफ्ट में क्रिएट करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं एक डिस्टेंस स्पेसिफाई करने वाला हूँ, दैट इज द 10 डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ 10 टाइप करके एंटर किया। तो रिमेंबर दैट कि यहाँ जो 10 डिस्टेंस थी वो आपकी ये जो बेस पॉइंट था, इस बेस पॉइंट से लेके ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो बेस पॉइंट है ये टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम कभी डिस्टेंस डिफाइन करते हैं तो वो बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट होती है। देखिए मैं वंस अगेन कॉपी करके क्रिएट करके दिखाता हूँ, और इस बार मैं जो बेस पॉइंट है वो ये वाला कॉर्नर डिफाइन करता हूँ। इस बार मैं डायरेक्शन देखिए अपवर्ड डायरेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर भी डिस्टेंस मैं 10 ही देता हूँ। सो नाउ आप देखेंगे 10 डिस्टेंस जो थी वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर थी। और आपको कभी सपोज इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कॉपी क्रिएट करना है कि ये बीच में जो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 10 मेंटेन करना है, उस केस में आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, देन कॉपी क्रिएट करना होगा, बेस पॉइंट आप कुछ भी ले लीजिए एंड देन रिमेंबर दैट कि आपको जो डिस्टेंस मेंटेन करनी है वो डिस्टेंस एज वेल एज ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस थी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो भी आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस जो थी वो 10 थी और मैं यहाँ पे चाहता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट की जो बीच की डिस्टेंस हो वो भी 10 हो, तो टोटल डिस्टेंस इस बार मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज द 20। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि हमें जब भी ऑब्जेक्ट को कॉपी क्रिएट करना है तो हमें उसकी जो विड्थ होती है, सपोज जैसे यहाँ पर 5-5 डिस्टेंस पर मुझे मल्टीपल टाइम ऑब्जेक्ट कॉपी करना है तो मैं कॉपी कमांड को यूज करूँगा, स्पेसिफाई बेस पॉइंट ये डिफाइन करूँगा, डायरेक्शन एंड देन 5+5 टोटल डिस्टेंस 10 हो गया, देन यहाँ पर हो जाएगा 20 एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 30। इस तरीके से ये बार बार हमें 20+30+ इस तरीके से 10 ऐड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा स्टिल बेस पॉइंट जो है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ही है। तो आपने देखा यहाँ पर दो टॉपिक मैंने कवर किए कि रेंडमली कैसे हम कॉपी क्रिएट करते हैं एंड देन सेकेंड मेथड देखी कि हमने कैसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंड देन उसके बाद में डायरेक्शन के साथ में हम एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर कैसे कॉपी क्रिएट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, आप ऑटोकैड में कॉपी कमांड के अंदर एक एरे ऑप्शन होता है उसकी हेल्प से भी आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए वो कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, देन कॉपी पर क्लिक करना है, देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट डिफाइन करने के बाद आप बॉटम में देखेंगे यहाँ एक एरे ऑप्शन डिस्प्ले होगा, इस एरे पर क्लिक कर दीजिए एंड नंबर ऑफ आइटम्स आप डिफाइन कर दीजिए कि आपको नंबर ऑफ आइटम्स कितनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर 10 देने वाला हूँ एंड देन आप डायरेक्शन डिफाइन करिए राइट में कि अपवर्ड लेफ्ट किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको यहाँ पर एरे क्रिएट करना है या मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट करने हैं। एंड देन फाइनली आपको एक डिस्टेंस स्पेसिफाई करनी होगी, जो डिस्टेंस पहले 10 दी थी वो मैं अभी भी डिफाइन कर देता हूँ एंड अभी आप देखेंगे यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। तो ये एक कॉपी के अंदर एरे ऑप्शन था। कॉपी के अंदर एक और लास्ट ऑप्शन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज मेरे पास में कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट है,
मल्टीपल ऑब्जेक्ट मुझे रैंडमली क्रिएट करना है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट रैंडमली क्रिएट करना है तो एक और मेथड है, वो है रेफरेंस मेथड। वो मैं आपको कॉपी के अंदर कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके की एक सिचुएशन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, एंड नाउ मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे नहीं पता, और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से एक पैटर्न में कॉपी क्रिएट होता जाए। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को मुझे मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड कॉपी पर क्लिक करता हूँ। बट याद रखिए बेस पॉइंट में इस ऑब्जेक्ट का डिफाइन नहीं करूँगा, मैं इस कॉर्नर पर क्लिक करता हूँ एंड देन अभी मैं इस पॉइंट पर क्लिक करते जाऊँगा, ये देखिए लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, तो इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट होगा। तो इसको मैं कहूँगा कॉपी विथ रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या था, वो ये था। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस जो भी थी वो मेंटेन करता जाएगा। तो आई होप आपको कॉपी के ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज द मूव ऑप्शन। तो मूव ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरे पास सपोज दो टू ऑब्जेक्ट हैं और मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है अपनी पर्टिकुलर डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाए। कॉपी में क्या होता था कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे रहता था और एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। तो यहाँ पर मूव कमांड बिल्कुल कॉपी के जैसे ही काम करता है, सेम ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही है। तो मैं डिटेल्स में मूव कमांड को नहीं बताऊंगा क्योंकि मूव एंड कॉपी एक जैसे ही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको मुझे मूव करना है, एंड देन मूव कमांड पर क्लिक करूंगा। इसका शॉर्ट की एम एंटर है। एंड नाउ बेस पॉइंट सिमिलर बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं कॉपी कमांड को मैंने एक्सप्लेन किया था, बेस पॉइंट डिफाइन करना है एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आपने डिस्टेंस सपोज यहाँ पे 20 दे दी, तो ये 20 डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो गया। तो कॉपी एंड मूव दोनों एक जैसे ही होते हैं, ओनली कॉपी एंड मूव में जो डिफरेंस है कि कॉपी में एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वहीं पर मूव में क्या होता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है। लास्ट टॉपिक वो हम देख लेते हैं, दैट इज द मिरर कमांड, किस तरीके से हम ऑटोकैड में यूज करते हैं। तो मिरर के लिए देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है एंड देन मैं एक एक्सेस क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये मैं जो मिरर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ विद एक्सेस, विदाउट एक्सेस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन मिरर में एक और ऑप्शन होता है, दैट इज द एच एंड नो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिरर के लिए भी फर्स्ट स्टेप जो होगा सेम जैसा हम कॉपी मूव में करते हैं, पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन क्लिक ऑन मिरर, जिसका शॉर्ट की एम आई एंटर है। तो आप एम आई एंटर भी कर सकते हैं। देन नाउ आपको एक्सेस डिफाइन करना है। एक्सेस का फर्स्ट पॉइंट आप ये वाला ले लीजिए टॉप वाला, ये मेरे पास एक एक्सेस है, एंड सेकेंड वाला ये ऑफ। देन लास्ट में आपको प्रेस एंटर करना है। जैसे आप प्रेस एंटर करेंगे देखेंगे ये ऑब्जेक्ट मिरर हो गया। मिरर कमांड का क्या यूज होता है, एक रिपीटला क्रिएट करता है, अपोजिट फ्लिप कर देता है ऑब्जेक्ट को। जैसे ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं तो ये सेम डिस्टेंस के बाद यहाँ पर भी क्रिएट करेगा। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज कभी हॉरिजॉन्टल एक्सेस हमारे पास में है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में कैसे मिरर करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए फर्स्ट, देन क्लिक ऑन मिरर, देन आपके पास इंस्ट्रक्शन आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली 2 पॉइंट डिफाइन करूंगा एंड देन लास्ट में डोंट फॉरगेट कि आपको एक एंटर करना है। समटाइम जब हम मिरर करते हैं तो हम क्या करते हैं, मिरर कमांड को यूज करने के बाद एंटर नहीं करते। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया एम आई एंटर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, देन एस्केप। नाउ व्हाट हैपेंड कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट मिरर किया था वो नहीं दिखाई दे रहा। सो डोंट फॉरगेट कि मिरर करने के बाद आपको लास्ट में जब आपके पास ये यस और नो ऑब्जेक्ट आते हैं तब आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो को ही सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना। इसमें ऐसा ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मिरर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिलीट हो जाए एंड देन उसका जो फ्लिप ऑप्शन है, फ्लिप ऑब्जेक्ट है, वो बस आपको दिखाई दे, देन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं यस ऑप्शन। जैसे आप यस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो जो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है वो इरेज हो जाएगा। तो समटाइम इस ऑप्शन का यूज हमें करना होता है, बट यूजली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मिरर कमांड को यूज कर लीजिए एंड इन केस आपको कभी डिलीट भी करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। बट हाँ, कोई बहुत ही बड़ा ड्राइंग है, कोई बिग ऑब्जेक्ट है, देन उस केस में हमें यस और नो ऑप्शन का यूज करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि सम टाइम हमारे पास में एक्सेस नहीं होता है, किसी ऑब्जेक्ट के टू पॉइंट्स के थ्रू भी हम मिरर कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास में यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का ये जो मिड पॉइंट टॉप पर दिखाई दे रहा है और ये मिड पॉइंट जो मुझे बॉटम में दिखाई दे रहा है, इन दोनों पॉइंट के रेफरेंस से मुझे मिरर करना है ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, देन मिरर
ऑब्जेक्ट को यहाँ मिरर कमांड को पिक कर लेते हैं। एंड नाउ यहाँ देखिए मेरे पास एक्सेस नहीं है बट वी हैव टू पॉइंट्स, तो यहाँ पर मैं टॉप पॉइंट पर क्लिक करूँगा, एक बॉटम पॉइंट पर क्लिक करूँगा और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इमेजनरी एक्सेस वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो देन वो यहाँ पर मिरर करेगा, और इस बार जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये प्लस ये टोटल डिस्टेंस वो यहाँ पर भी मेंटेन करेगा क्योंकि एक्सेस जो था वो सेंटर पे था। तो आई होप मिरर कमांड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं ऑटोकैड पे कॉपी मूव मिरर कमांड पर बेस कुछ ड्राइंग, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये ड्राइंग है जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में मैं यूज करने वाला हूँ लाइन कमांड का, सर्कल कमांड का, ट्रिम कमांड का, और ये सारे के सारे जो टूल्स हैं मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, एज वेल एज मैं यहाँ पर यूज करूँगा कॉपी कमांड का। कॉपी कमांड का यूज़ हम कहाँ करेंगे, देखेंगे ये जो सर्कल है ये मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा है और इसका सेम डायमेंशन है 2.5 रेडियस का एक सर्कल है जो यहाँ पर मल्टीपल प्लेसेस पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा सर्कल से, सर्कल में एक सी एंटर 5 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इस क्लास में और डिस्कस करना चाहूँगा, जो मैंने सर्कल की जो मेरी लास्ट क्लास थी मैं वहाँ पर नहीं बता पाया था, एक्सप्लेन करना भूल गया था कि कैसे कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जैसे एक सर्कल ये है और इसके ही सेंटर पर मुझे एक और सर्कल ड्रॉ करना हो तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक सेंटर एंड रेडियस के थ्रू एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका 5 रेडियस है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके सेंटर पर ही एक और सर्कल ड्रॉ हो, कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल कमांड को पिक कर लेना है एंड जो आपके पास एग्जिस्टिंग सर्कल है, जो सर्कल पहले से है, उसकी पेरिफेरी पर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको एक सेंटर पॉइंट सॉफ्टवेयर शो करेगा। देन आप इस सेंटर पॉइंट को पिक कर लीजिए एंड 2.5 का एक और सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सी एंटर 5 रेडियस एंड देन वंस अगेन सी एंटर एंड देखिए आप इसकी पेरिफेरी पर कर्सर लेकर जाएंगे जो आपके पास पहले से ही सर्कल है। देन आप सेंटर पॉइंट को पिक कर लीजिए एंड 2.5 आप एक और अनदर रेडियस को डिफाइन कर दीजिए। इससे पहले जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था वो कुछ और रेडियस मैंने डिफाइन कर दी थी, आई थिंक 25, दैट्स व्हाई वो सर्कल आपको बिग साइज का दिखाई दे रहा था। देन इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन आपका ऑन हो एज वेल एज ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के अंदर आपको ये सेंटर ऑप्शन भी ऑन हो, अदरवाइज आपको ये यहाँ पर नहीं शो करेगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ, इस ड्राइंग से मुझे मूव करना था तो यहाँ देखिए अभी मैंने मूव कमांड का यूज किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्राइंग मैं क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे पास जो पहले से ड्राइंग है उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे टू सर्कल्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पर टू सर्कल्स और दिखाई दे रहे हैं मुझे, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं और उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 25.3 एंड यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज़ द 15। तो चलिए इस सर्कल को, दोनों सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया एंड यूज किया सी ओ दैट इज़ द शॉर्ट की ऑफ कॉपी एंड देन बेस पॉइंट मैंने यहाँ पर एज अ बेस पॉइंट इन दोनों सर्कल का जो सेंटर पॉइंट था वो मैंने डिफाइन कर दिया है। एंड देन इस बेस पॉइंट को डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ डायरेक्शन डिफाइन करूँगा लेफ्ट साइड में एंड देन यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 25.30 है तो मैं उसको कीबोर्ड से टाइप करके एंटर कर देता हूँ। तो पहला स्टेप कॉपी करने के लिए जो था वो था मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, देन सी ओ एंटर बेस पॉइंट एंड लेफ्ट साइड में डायरेक्शन डिफाइन किया 25.30, देन दोनों सर्कल को सेलेक्ट किया, सॉरी फोर सर्कल्स को ड्रॉ किया, देन कॉपी के बाद मैं यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन डिफाइन करूंगा एंड देन यहाँ पर 15 एंटर कर लेते हैं। तो ये देखेंगे आप कि हमारे पास स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट आ चुके हैं ये फोर सर्कल। नाउ मुझे एक लाइन कमांड पिक करनी होगी, उस सर्कल के फोर कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं, ये फोर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इन केस नहीं दिखाई दे रहे तो आप ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के अंदर जाइए एंड ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट को ऑन रखना है। ये मैं आपको पिछले कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ कि कहाँ से आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना होता है। तो मैंने यहाँ L एंटर के थ्रू लाइन कमांड पिक कर ली है और मैं यहाँ पर एंटर करते करते मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट ये लाइन ड्रॉ कर ली है एंड ट्रिम कमांड को यूज करने के लिए TR एंटर एंड देन मैंने यहाँ पर ये सर्कल को ट्रिम कर दिए हैं। सो नाउ आप देखेंगे ये आर्क में कन्वर्ट हो चुके हैं और कुछ इस तरीके से मुझे ड्रॉइंग दिखाई दे रही है। नाउ यहाँ पर टू सर्कल्स और मुझे दिखाई दे रहे हैं और इसका डायमीटर गिवन है दैट इज द 5 डायमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज द 5 ड्राइंग में गिवेन है और ये जो डिस्टेंस गिवेन है दैट इज द 15 और आप इसको सेंटर पॉइंट से देखेंगे तो 7.5 इधर है, 7.5 इधर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इस अप्रोच से इस लाइन को, इस ड्राइंग को कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने एक लाइन कमांड पिक कर ली एंड टॉप में जो मुझे मिड पॉइंट दिखाई दे रहा था वो मैंने
सेलेक्ट कर लिया है। बॉटम पे जो मिड पॉइंट दिखाई दे रहा था वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नाउ वंस अगेन एक लाइन ले लेते हैं, और ये जो मैंने लाइन एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है इसका मुझे मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है। इस मिड पॉइंट के थ्रू मैं 7.5 यहाँ पे राइट साइड में, सॉरी अंडू कर लेते हैं, 7.5 राइट में, एंड वंस अगेन लाइन को लेफ्ट में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर आप ड्रॉइंग को ड्रॉ कर लीजिए। एंड सी एंटर, देन स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, देन डी एंटर, 5 डाया के साथ सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। नाउ इसको कॉपी कमांड के थ्रू पिक कर लीजिए। कॉपी कमांड के थ्रू यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया, एंड देन लास्ट में मैं ये जो लाइन एक्स्ट्रा लाइन थी इनको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट 9 को कनेक्ट कर दूंगा। एंड ट्रिम कमांड के थ्रू ये बोथ सर्कल जो थे इनको ट्रिम कर दिया। तो देखेंगे आप, फाइनली मैंने ये ड्राइंग क्रिएट कर ली है। इसमें मुझे लाइन विड्थ असाइन करनी होगी, तो मैं यहाँ पर जाकर प्रॉपर्टीज में ये जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रॉल करके 0.5 लाइन विड्थ स्पेसिफाई कर दूंगा। तो ये ड्राइंग हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एक और ड्राइंग हम कंप्लीट करने वाले हैं इस क्लास में, एंड देन कुछ ड्राइंग जो होगी वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे एज असाइनमेंट, तो वो आपको ड्रॉ करनी है। तो चलिए अभी स्क्रीन पर देख लेते हैं। एक ये ड्राइंग है जो मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट साइड की ये 3 चेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये टेबल है, डाइनिंग टेबल है, तो मैं यहाँ पे एक चेयर यूज करूँगा, उसको बाद कॉपी मूव मिरर की हेल्प से ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो चलिए किस तरीके से ये हमें करना है वो देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है वो ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मैं REC एक रेक्टेंगल कमांड पिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ ओरिएंटल 36 एंड वर्टिकल डिस्टेंस ले लेता हूँ दैट इज 72। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, एंड देन इस तरीके से एक टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए भी मुझे यहाँ पर 2 रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए वो देख लेता हूँ। एक रेक्टेंगल यहाँ पर, एक स्क्वायर है 18 टैब 18 का, 18 बाय 18 का मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, एंड देन वन मोर रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ दैट इज जिसका डायमेंशन है 18 टैब 3। एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मूव कमांड की हेल्प से इस बेस पॉइंट से इस बेस पॉइंट को मैच कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, एंड देन इसको मैं मूव कमांड के थ्रू मूव कर लेता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर मैं प्लेस करने वाला हूँ। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ जो गैप है दैट इज़ द 3, तो मैं यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से 3 का एक लाइन डिस्टेंस ड्रॉ करूँगा। एंड देन नाउ इस चेयर को मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये मिड पॉइंट जो मुझे दिखाई दे रहा है इसको मैं यहाँ पर मूव कमांड के थ्रू प्लेस कर दूंगा। तो अभी अभी ये देखा आपने कि मैंने मूव कमांड का यूज किया हुआ था, एज वेल एज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वर्टिकली भी आपको ड्रॉ करना है। तो मैं इस कमांड को, सॉरी इस चेयर को फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर कर लेता हूँ। तो मिरर करने के लिए क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन MI एंटर। MI के बाद मैं देखिए ये जो लेफ्ट साइड में वर्टिकल लाइन में मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और राइट साइड में जो मुझे यहाँ पर वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये एक चेयर थी जिसको मैंने मिरर कर लिया है, बट अभी आपको ये 3 चेयर्स भी मुझे क्रिएट करके दिखाना है। तो चलिए ये भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 18 टैब 18 का एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एंड वन मोर रेक्टेंगल ले लेते हैं 3 टैब 18, एंड देन इसको मूव कमांड के थ्रू ये देखिए यहाँ से मैंने पिक किया और यहाँ जाकर मैंने प्लेस कर दिया। इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, एंड नाउ इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ से मैं 3 डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, एंड मूव कमांड की हेल्प से ये देखिए ये बेस पॉइंट लिया और यहाँ जाकर इसको प्लेस कर दिया। तो डिलीट कर लेते हैं, एंड देन कॉपी करने वाले हैं। कॉपी करने के लिए यहाँ टोटल डिस्टेंस मुझे 6 दिया है, तो आपको मैंने आज बताया था कि जब मैं कॉपी करूँगा ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज द 18 प्लस 6 टोटल होगा 24। तो मैं एज अ बेस पॉइंट ये वाला बेस पॉइंट डिफाइन करूँगा, एंड देन 24 डिस्टेंस पर हम इसको अपर डायरेक्शन में कॉपी कर देंगे। वंस अगेन मैं यहाँ पर भी कॉपी क्रिएट करूँगा, बेस पॉइंट मैंने ये ले लिया, इसको भी मैं ले सकता था, डिस्टेंस आपको फिर भी 24 ही लेना पड़ेगा। सॉरी मैंने आई थिंक कुछ मिस्टेक कर दी है। वंस अगेन मैं इसको अंडू कर लेता हूँ एंड फिर से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, एज अ बेस पॉइंट ये वाला बेस पॉइंट डिफाइन किया है, एंड देन ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, एंड नाउ 24 एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 3 चेयर्स आ चुके हैं। अब इन 3 चेयर्स को हम मिरर कर लेते हैं। मिरर करने के लिए MI कमांड, और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इसका बॉटम में ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है मुझे इसको एज अ मैं मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करूँगा और ये मेरा सेकेंड पॉइंट होगा, देन लास्ट में एंटर करना है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया जो मेरे को ड्राइंग आपको क्रिएट करके दिखानी थी।
तो ये मैंने इस तरीके से ड्राइंग क्रिएट कर ली है। सो आई होप आपको कॉपी मूव मिरर आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। कुछ ड्राइंग में आपके साथ मैं एज असाइनमेंट शेयर भी करूँगा, तब तक आप इतना प्रैक्टिस करिए और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा लाइन, पॉली लाइन, ज्वाइन एंड एक्सप्लोर। वाई लाइन, वंस अगेन लाइन क्यों डिस्कस करूँगा, क्योंकि मुझे पॉली लाइन एक्सप्लेन करना है और मुझे पॉली लाइन एक्सप्लेन करने के लिए लाइन फिर से आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये टॉपिक्स होंगे जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।